छत्तीसगढ़ वासियों के लिए मौसम से जुड़ी एक बड़ी अपडेट। बता दें कि बीते दिनों राजधानी के कई निचले बस्तियों में बारिश की वजह से जलभराव की स्थिति आ गई है। वहीं मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बता दें कि आज भी प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बारिश होने की संभावना जाहिर की हुई है। साथ ही कई जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। तो वहीं प्रदेश के सबसे न्यूनतम तापमान दुर्ग शहर में रहा, जो कि 21.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो वहीं मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बता दें कि निम्न दाब का क्षेत्र उत्तर उड़ीसा और उसके आसपास स्थित है। इसके साथ ही ऊपरी हवा का चक्री चक्रवाती घेरा, जो की 7.6 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है, जो मानसून द्रोणिका उत्तर पूर्व अरब सागर सौराष्ट्र तट दिशा रायलसेना अंबिकापुर निम्न दाब का केंद्र और उसके बाद दक्षिण पूर्व की ओर पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी तक 1.5 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है, जिसके चलते आज भी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों पर हल्की सी मध्यम वर्षा होने के साथ ही गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जाहिर की हुई है। वहीं प्रदेश में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा होने की संभावना भी जाहिर की गई है। तो इसी बीच हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में हुई आफत की बारिश, जी हां, जमकर तबाही मचा रही है इन दिनों भारी बारिश। करीब 37 साल बाद सुकमा जिले में कोटा ब्लॉक में बाढ़ की विकराल स्थिति देखने को मिल रही है, जहां पर 400 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित बताए जा रहे हैं। ये रहा मौसम से जुड़ी ताज़ा अपडेट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।